हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे गुलाब की ड्राइंग बनाना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, हल्का सा ट्रायंगल का शेप देंगे। उसके बाद फिर इसे इस तरह से मोड़ेंगे और एक पत्ती का आकार देते हुए, जैसे एक लीफ होता है वैसे आकार देते हुए हमने इसे ऐसे बना दिया, हल्का सा मोड़ा और फिर इस तरह से देखिए ऐसे कर दिया और फिर इसे ले गए आगे बढ़ाते गए और थोड़ा सा मोड़ दिया। मतलब पत्ते का आकार, जैसे नुकीला जो होता है बस उसको, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। पत्ते का आकार जैसा बनता है नुकीला टाइप का, तो फिर इसे इस तरह से मोड़ दिया। इसमें मोड़ना ज़्यादा रहता है क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है बहुत अच्छी लगती है मुड़ी हुई। ये देखिए ये यहाँ भी एक पत्ते के आकार जैसा ही मैंने बनाया। ठीक है, इसे इसी तरह से बनाते जाना है। अब इसे इस तरह से हम बीच से लाइन ड्रॉ करके भी हम पत्ती दो पत्तियों में बांट दिए हैं। ओके, दो पत्तियों में हमने बांट दिया। ये बस मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं इसे। अब जैसे ये भी फिर हमने मोड़ दिया, एक जो मैंगो होता है आम के शेप जैसा, ये देखिए मुड़ गया और फिर इसे यहाँ इस लाइन पर मिला दिया। ओके, अब देखिए अब फिर हम क्या करेंगे, ये छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमने इसमें निकाल दिया है। ठीक है, गुलाब के तो कई शेप होते हैं, कुछ अलग शेप्स के होते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो बस आपको गुलाब दिखना चाहिए ऐसा बनाना है। तो फिर इसे इस तरह से देखिए, मैंने बीच से फिर लाइन ड्रॉ किया और यहाँ थोड़ा सा हाफ सर्कल किया। हाफ सर्कल करने के बाद फिर इसे इस तरह से फिर मिला दिया। बीच में आप मतलब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे और अच्छा बनेगा गुलाब तो आप इस तरह से बीच में लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप ये खुद प्रैक्टिस करिए, खुद प्रैक्टिस करके देखें, देखिएगा बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखिए, ये हमने अब डंडी निकालना शुरू कर दिया, तो ये नीचे से इधर से हमने चौड़ा ले लिया ऊपर से, फिर इसे हम पतला करेंगे, ऊपर से चौड़ा फिर नीचे पतला। ठीक है, अब हम इसमें लीफ बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे, तो पत्तियां तो कांटेदार होती हैं ना रोज़ की, तो इसे हल्का सा निकाल देंगे इस तरह से और इस तरह से निकाल के अब इधर के साइड से भी ये हमने पत्तियां निकाल दी और डंडी को इस तरह कर दिया। ये फिर दूसरी पत्ती मैं बना रही हूँ इस तरह से नुकीली पत्तियां। पत्तियों का भी साइज का कोई आगे से तो नुकीली रहती ही हैं और इस तरह से हमने डंडी को नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रोज़ की पत्तियां बन गई। अब भी इसे ऐसे लाइन ड्रा कर दिया। देखिए मैं पेन से कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही हूँ। देखिए मैंने खींचा छोड़ दिया, खींचा और छोड़ दिया, यानी कि पूरा दबाना है नहीं, खींचा और छोड़ दिया, इस तरह से लाइन ड्रा करना है इसमें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक कहते हैं। आप बनाते जाइएगा तो भी प्रैक्टिस होता जाएगा खुद ब खुद, ये आते जाएगा। तो ये हो गई हमारे रोज़ की ड्राइंग। चलिए अब हम इसे कलर करते हैं। ये देखिए हमने पहले रेड कलर ले लिया है, अब इसे रेड कलर को लाइट करने के लिए थोड़ा, क्योंकि लाइट करेंगे तो फिर ऊपर से शेड देंगे डार्क कलर से, तो लाइट करने के लिए हम अब वाइट हमने मिलाया, तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया कलर, लाइट रेड। फिर इसे हम अप्लाई करेंगे इस फोटो पर। पहले साइड को कलर करेंगे जिससे कि वो बाहर ना निकले, फिर अंदर कलर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कलर करते जाएंगे पूरे में। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, जब पूरा कलर हो जाएगा तो बाद में डार्क कलर से थोड़ा थोड़ा कलर करेंगे, वो आप देखिएगा आगे। हमने तो पहले ही आउटलाइन कर दिया है, पर हम कलर करके भी आउटलाइन बना सकते हैं, क्योंकि होता क्या कि कभी कभी कलर करने से आउटलाइन थोड़ा मिक्स होने लगता है, क्योंकि वाटर कलर है ना, तो वाटर कलर के कारण वो मिक्स होने लगता है। ये हल्का हल्का ये मिक्स होता दिख रहा है,
खैर उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो बाद में फिर हम आउटलाइन उसकी बना देंगे। तो इस तरह से हमें पूरे में रेड कलर से अप्लाई कर देना है रोज में। ओके, ये देखिए ये रोज मैंने कलर कर दिया पूरे रेड से। अब हम क्या करेंगे, इसे शेड देने के लिए रेड थोड़ा डार्क करेंगे, रेड में हल ये ब्लैक मिलाएंगे डार्क करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा सा लाइट रखा था शुरू में, आप चाहे तो इसे शुरू में और भी लाइट रख सकते हैं, लाइट कलर वाइट ज़्यादा मिला करके। ये देखिए अब मैं इसमें डार्क कलर हल्का मिला रही हूँ, ठीक है। ये ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि पूरे में कलर कर देना डार्क कलर से, ऐसा नहीं, हल्का हल्का देंगे डार्क कलर और फिर उसे थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है ताकि मिक्स हो जाए। इस तरह से देखिए ये हल्का हमने दे दिया, अब हम क्या करेंगे इसे, ये देखिए तोड़, ये तोड़ना इसे कहते हैं ये सेट, क्योंकि एक लाइन सा पड़ जाता है जब आप डार्क कलर देते हो ना, तो लाइन सा पड़ जाता है जो कि दिखता है ख़राब लगता है, इसलिए हम उसे तोड़ के मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हम वाटर कलर में मिक्स, वाटर कलर हो चाहे ऑयल कलर हो, मिक्स करना ज़रूरी होता है। ये देखिए हमने ऐसे दे दिया, ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ इस तरह से हल्का सा पानी मिलाकर। इस तरह से सारे रोज में हम ऐसे ही सेट को अप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम इसकी डंडी को कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने ग्रीन में वाइट मिला लिया है लाइट कलर करने के लिए, ये पूरे में डंडी में अप्लाई कर दूंगी और इस लीफ में भी हम इसी तरह कलर करेंगे। और इस पत्ते में भी कलर करके आउटलाइन दे देंगे। ओके, आउटलाइन ऊपर से हम डाल देंगे ताकि और उभर कर आए हमारा पत्ता। तो इस तरह से हमने पहले कलर कर दिया ग्रीन कलर से और अब हम इसमें थोड़ा सा सेड भी डाल सकते हैं। ये अब ये जो निकली हुई हैं छोटी छोटी पत्तियां, उसको भी हम ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। इस तरह से ग्रीन करके हम कलर कर देंगे। मैं पत्तों में आउटलाइन देना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए पत्तों में अब हम आउटलाइन देंगे इस तरह से, देखिए पत्ते कितने खिलकर उभर कर आ रहे हैं। इसकी जो नुकीली नुकीली जो पत्तियों की जो शेप होती है वो अच्छे से अब दिखाई दे रही है। पूरे में आउटलाइन हमने दे दिया, अब इस पत्ते पर भी हम इसी तरह आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह से इस पत्ते में भी हमने पूरा आउटलाइन कर दिया। अब मैं गुलाब के जो फूल हैं उसमें भी आउटलाइन करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह सारे रोज में जहाँ जहाँ आउटलाइन है उसे हम डार्क कर लेंगे, ऊपर से आउटलाइन देंगे तो वो और खूबसूरत लगेगा हमारा गुलाब। अब ये छोटे छोटे जो पत्ते निकले हुए हैं उस पर हम आउटलाइन बना देंगे। इसी तरह
डंडियों में भी हम नीचे आउटलाइन बना देंगे। ये डंडियों में भी हम आउटलाइन इसी तरह नीचे बना देंगे और थोड़ा सा ब्लैक से इस तरह से स्ट्रोक टाइप का, लाइन टाइप का दे देंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा ये अगर ड्राइंग पसंद आया हो और कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।